नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है, आपको एक ट्राई दिस करके एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखना है। 6-7 ऐसे ग्लास लेने हैं, ठीक है, 6-7 आपको क्या लेने हैं, ग्लास लेने हैं, 4, 5, 6 लेते हैं और इसमें पानी भरना है, इसमें कम पानी भरना है, इसमें थोड़ा ज़्यादा 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 भरना है, इसमें ज़्यादा भरना है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। देखिए, टेक 6 to 7 ग्लास कप, अरेंज देम इन अ लाइन एंड फिल देम विथ वाटर विथ ग्रेजुअली इंक्रीज इन वाटर लेवल फ्रॉम वन एंड टू अदर। एक एंड से दूसरे एंड तक पानी भरना है, पहले इसमें कम कर बढ़ाते जाना है, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाटर लेवल है ना, वैसे हमने इसमें पानी भर दिया। अब देखिए क्या बोलते हैं, टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द कप सिक्वेंसली। एक पेंसिल लेनी है और इसको ऐसे बजा के देखना है, ऐसे तो आपको दिखेगा कि हर इसका साउंड जो है वो अलग आएगा। अब क्यों आएगा, देखिए, टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द कप सिक्वेंटली, द साउंड जनरेटेड बाय ईच कप विल बी डिफरेंट। जो साउंड जनरेट हो रहा है हर कप से वो अलग साउंड है, एक ही साउंड नहीं है, अलग अलग साउंड होता है। ऐसा क्यों होता है बोलते, व्हाई इट इज सो। देखिए अब यहाँ पे उसका रीजन भी दिया है, व्हेन अ कप इज स्ट्रक वेव आर सेट अप इन द एयर कॉलम अबव द वाटर लेवल इन द कप। जैसे हम पेंसिल से इसको स्ट्रक करते हैं तो देखिए यह क्या बोलते हैं, व्हेन कप इज स्ट्रक वेव आर सेट अप इन द एयर कॉलम, यहाँ पे वेव बनती है अंदर, ठीक है, वेव आर सेटअप इन दी वेव्स आर सेटअप इन दी एयर कॉलम अबव वाटर लेवल इन दी कप। यानी यहाँ पे जो वाटर की लेवल है इसके ऊपर जो एयर है इसके ऊपर वेव बनती है, इसके अंदर क्या बनेगी, वेव बनेगी। अब देखिए यहाँ पे एयर की स्पेस ज़्यादा है क्योंकि वाटर इसमें कम है, इसमें एयर की स्पेस थोड़ी कम हो गई, इसमें एयर की स्पेस थोड़ी कम हो गई, इसमें एयर की स्पेस कम हो गई, इसमें एयर की स्पेस और कम हो गई, तो ऐसे जो है वो एयर की स्पेस जो है वो कम होती जाती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटेड वेव डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ एयर कॉलम। तो ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जनरेट हो रही है वो किस पे डिपेंड है, ये हाइट ऑफ एयर कॉलम, एयर की कॉलम कितनी है उस पे ये डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डिपेंड ऑन एयर कॉलम इनसाइड द ग्लास कप। सिंस द वाटर लेवल इन ईच ग्लास इज डिफरेंट, हर इसमें वाटर डिफरेंट है, इसकी वजह से सिंस द वाटर लेवल इन ईच ग्लास इज डिफरेंट, द हाइट ऑफ एयर कॉलम इन ईच ग्लास इज ऑल्सो डिफरेंट। तो हाइट जो है वो एयर कॉलम की, एयर कॉलम का मीनिंग क्या होता है, सिंपली अंदर एयर, इसमें कम पानी होने की वजह से यहाँ की एयर कॉलम ज़्यादा है, इसमें इसकी एयर कॉलम कम हो गई, पानी ज़्यादा हो गया, इसमें और पानी ज़्यादा हो गया, एयर कॉलम कम हो गई। तो एयर कॉलम पे डिपेंड होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, और हर इसमें एयर कॉलम जो है वो डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पे पानी का लेवल डिफरेंट है। देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जनरेटेड बाय ईच ग्लास, और इसी वजह से जो हर ग्लास की साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है जो जनरेट हो रही है विल ऑल्सो भी डिफरेंट, और उसकी वजह से वो डिफरेंट होती है। सो द साउंड जनरेटेड इज डिफरेंट, यानी अंदर की एयर कॉलम पे वो साउंड की फ्रिक्वेंसी डिपेंड होगी, अंदर की जो एयर कॉलम है वो डिफरेंट है हर ग्लास में, और इसीलिए हर ग्लास का जो साउंड होगा फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। नेक्स्ट इसमें दिया है कि एक ऐप भी आता है मोबाइल का, किसकी किसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो आप डाउनलोड करके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम एक छोटा सा टॉपिक था, साउंड एंड म्यूजिक में क्या रिलेशन है वो समझने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो बच्चों समझ में आया, अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।